ही प्लांट हॉलिक्स वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू आर डूइंग वेल फ्रेंड्स दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट बेस्ट विंटर फ्लारिंग प्लांट्स टू बाय फ्रॉम नर्सरी इन द मंथ ऑफ जनवरी विद दियर प्राइजेस तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत से विंटर फ्लारिंग प्लांट्स दिखाऊंगी जो कि आप इस मंथ नर्सरी से बाय कर सकते हो उनके प्राइजेस के साथ तो शुरुआत बहुत ही खूबसूरत से ये क्राइजेंथमम के प्लांट्स है फ्रेंड्स इसे मैंने कटिंग से लगाया था अगर आप इस तरीके के खिले खिलाए प्लांट्स नर्सरी से बाय करना चाहते हो तो फ्रेंड्स वो आपको हंड्रेड फिफ्टी से लेकर टू हंड्रेड में बहुत ही आसानी से किसी भी लोकल नर्सरी पे मिल जाएगा प्राइस में भी वैरी कर सकता है क्योंकि मैं ये आपको लखनऊ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ और प्राइस ऐसे भी फ्रेंड्स वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट का डिफरेंस होता ही होता है फ्रेंड्स प्लेस टू प्लेस का भी होता है नर्सरी टू नर्सरी का भी होता है अगर आप किसी भी छोटा छोटी लोकल नर्सरी से बाय करोगे तो वो आपको थोड़े से अफोर्डेबल रेट्स पर मिल जाएंगे प्लांट्स अगर आप वही बड़े किसी नर्सरी से बाय करोगे तो फ्रेंड्स वहाँ पर प्राइजेस जो होते हैं वो थोड़े से हायर साइड पर होते हैं तो बेहतर यही है कि आप छोटी नर्सरी से प्लांट्स को बाय करो और फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ये

थोड़ा फ्रेंड्स इसका जो अंदर के पेटल्स होते हैं जैसे डेविड ऑस्टिन में होते हैं उसी तरीके के हैं फ्रेंड्स ये देखिए तो मुझे ये ऑलमोस्ट लगता है कि डेविड ऑस्टिन है पर मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट प्लांट है डेविड ऑस्टिन मैं काफ़ी टाइम से नर्सरीज पे ढूंढ रही मुझे मिल नहीं रहा क्योंकि इसके सारे फ्लार्स इस तरीके से नहीं खिलते हैं कुछ फ्लार्स जैसे डेविड ऑस्टिन के होते हैं वैसे खिलते हो कुछ नॉर्मल खिलते हैं जैसे कि फ्रेंड्स आप ये नीचे देख रहे हो तो फ्रेंड्स इस तरीके का अगर आप क्लाइंबिंग रोज बाय करना चाहते हो तो ये फ्रेंड्स आपको टू से लेकर फाइव के राउंड भी पड़ेगा अगर आप इस्टेब्लिश प्लांट बाय करते हो किसी भी लोकल नर्सरी से और अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके का सिंगल और बड़े फ्लावर्स के रोज प्लांट्स बाय करना चाहते हो स्टैब्लिश प्लांट तो फ्रेंड्स 150 से 180 या 200 में आपको बहुत आसानी से आ, कोई भी लोकल नर्सरी पे ये प्लांट मिल जाएगा तो रोजेस को आप जरूर अपने विंटर गार्डन में इंक्लूड करिए बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट फ्लॉरिंग प्लांट होता है सालों साल आपके पास बना रहेगा बस इसकी जो कुछ अगर केयर रिक्वायरमेंट होती है उसको आप फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छे से ये आपके यहाँ फ्लारिंग करेगा इस तरीके का बटन रोज बाय करना चाहते हो तो फ्रेंड्स ये आपको प्लांट्स के ऊपर

की पॉलीनेटर्स को आपके गार्डन में खींच कर लाएं ताकि वो अपना पॉलिनेशन का काम करें तो आपके यहाँ सीड्स वगैरह जो होंगे वो डेवलप होना शुरू करेंगे नए नए कलर्स आपको अपने फ्लार्स में देखने को मिलेंगे तो ये प्लांट्स को भी आप जरूर लगाइए आपको बीस से पच्चीस रुपए में बहुत ही आसानी से लोकल नर्सरी पर मिल जाएगा इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है डैन्थस फ्रेंड्स अगर आप बिगनर हो तो डैंथस को जरूर इंक्लूड करिए ना सिर्फ एक ये हार्डी विंटर फ्लारिंग प्लांट है बल्कि फ्रेंड्स लो केयर में बहुत अच्छे से फ्लारिंग करता है अगर आपने इस तरीके से पॉट्स में छोटे छोटे पॉट्स में आप लगाकर इकट्ठे रख दोगे तो फ्रेंड्स गुलदस्ते की तरीके से ये लगता है तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल और एक इसका जो कलर होता है काफी ज्यादा वाइब्रेंट सा होता है तो फ्रेंड्स आप इसे जरूर लगाइएगा ये भी आपको नर्सरी पर बीस से पच्चीस पैसे खिले खिलाए प्लांट्स मिल जाएंगे बस आप इसकी पिंचिंग करते रहिए जितना आप पिंचिंग करेंगे उतना ये प्लांट बुशी हो जाएगा और बहुत सारे आपको फ्लावर्स देगा इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है स्टॉक के फ्रेंड्स इन्हें मैंने सीडलिंग से लगाया था जो कि मुझे टेन रुपीज ईच पड़ी थी और इसमें ये देखिए ये पेटल वाला स्टॉक्स का प्लांट मतलब निकला इसमें फ्लावर खिला हुआ है इसके बाद ये सिंगल पेटल्स वाले हैं तो फ्रेंड्स ये अगर आप खिले खिले लाओ खिले खिलाए लाओगे तो इस समय आपको ये 20 से 25 रुपए में आराम से किसी भी लोकल नर्सरी पे मिल जाएगा बहुत ही खूबसूरत से कलर्स आए हैं तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं आप लोग को कहती हूँ कि आप सीडलिंग्स के थ्रू भी प्लांट्स को जरूर लगाइए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी से प्लांट्स हो जाते हैं आपकी केयर में आप जिस तरीके से इनको केयर करते हो उसके बाद फ्लारिंग ये बहुत अच्छे से करते हैं तो सीडलिंग्स के थ्रू आप लगा सकते हो लेकिन अभी के लिए फ्रेंड्स अब आपको ये खिले खिलाए मिल जाएंगे तो आप बेटर है कि आप खिले खिलाई प्लांट्स ले आओ नर्सरी से इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है कारनेशन के फ्रेंड्स इन्हें जब मैंने बाय किया था तो मैं छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स लेके आई थी तो मुझे अराउंड हंड्रेड एंड ट्वेंटी के ये पड़े थे क्योंकि ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं तो अगर आपको इसके कहीं से छोटे छोटे से ही पॉलीबैग में लगे हुए प्लांट्स मिल जाते हैं तो फ्रेंड्स वो आपको एट्टी रुपीज़ के अराउंड भी मिल जाएगा अगर आपको ये पॉट्स में जैसे कि मैं पॉट्स में लगा हुआ लेके आई थी छोटे छोटे से तो वो मुझे हंड्रेड एंड ट्वेंटी के पड़े थे तो फ्रेंड्स आप इसे भी जरूर लगाइए काफ़ी सारे कलर्स में मिल जाते हैं

प्लांट्स होते हैं लेकिन बहुत अच्छे से फ्लारिंग भी करते हैं और फ्रेंड्स एक ये ऐसा प्लांट है जिसे लोग अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लगाना क्योंकि इंडियन गार्डन की अगर मैं बात करूं तो विंटर्स में स्पेशली ये प्लांट्स तो ज़रूर से ज़रूर हर कोई लगाता है तो ये प्लांट आपको 25 से 30 रुपए में आसानी से लोकल नर्सरी पे मिल जाएगा आप मैरीगोल्ड को भी लगा सकते हो वो भी आपको बीस से पच्चीस में मिल जाएगा इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है मिमल्स का जिसे मंगी फ्लावर भी कहते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एक यूनिक फ्लावरिंग प्लांट होता है तो इसे आप ज़रूर लगाइए बीस से पच्चीस रुपये में ये भी आपको किसी

है और काफी टाइम तक के लिए इसके जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स पे लगे रहते हैं तो इसे भी आप जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स इसे तो मैंने अभी न्यूली लगाए हैं ये कुछ प्लांट्स हैं मेरे पास मैंने तीन खरीदे थे तो फ्रेंड्स ये मुझे हंड्रेड एंड एटी रुपीज ईच विद पॉट पड़ा था तो अगर आपको इसमें छोटे भी प्लांट्स बने बनाए उसमें मिल जाते हैं नर्सरी पर छोटे छोटे से पॉट्स में लगे हुए वो भी आपको हंड्रेड एंड फिफ्टी के अराउंड हंड्रेड ट्वेंटी से हंड्रेड फिफ्टी के अराउंड मिल जाएगा तो डिपेंड करता है कि कैसा आप प्लांट बाय कर रहे हो इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है डॉग फ्लॉर का फ्रेंड्स ये भी मैंने सीडलिंग से लगाया था अब इस समय आप देख सकते हो फ्लावर खिलना शुरू हो गया है तो सीडलिंग से जब मैंने लगाया था तो मुझे दस रुपए की पर सीडलिंग पड़ी थी अब आपको इस तरीके के खिले खिलाए जो अगर आप प्लांट लाना चाह रहे हो तो वो आपको बीस रुपये में बहुत ही आसानी से लोकल नर्सरी पे मिल जाएगा तो फ्रेंड्स आप इसे भी ज़रूर लगाइएगा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और बंचेस में ये प्लांट फ्लारिंग करता है तो बहुत ही खूबसूरत आपका गार्डन देखने में लगेगा और इसमें भी आपको कलर्स जो होंगे वो बहुत सारे मिल जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो फ्रेंड्स ये है जरेनियम का जेरेनियम के फ्रेंड्स आपको इस तरीके के बेबी प्लांट्स अगर अभी भी मिल जाते हैं पचास साठ रुपए में तो फ्रेंड्स ज़रूर ले लीजिए क्योंकि जब एक बार इनमें फ्लारिंग होना शुरू हो जाती है तो ये आपको डेढ़ सौ के अराउंड यहाँ लखनऊ में तो इसका प्राइस इसी के अकॉर्डिंग पड़ता है डेढ़ सौ डेढ़ सौ के ऊपर भी चला जाता है अगर फ्लार का कलर थोड़ा सा अलग सा होता है या बहुत ही अच्छा स्टैब्लिश प्लांट होता है तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है और इसकी सीडलिंग्स भी फ्रेंड्स महंगी पड़ती है मैंने जब लगाया था तो मुझे अराउंड पच्चीस रुपए की पर सीडलिंग मिली थी तो ये सीडलिंग से ही लगाए हुए प्लांट्स हैं इसके बाद फ्रेंड्स इधर मेरी सिनरेरिया की कुछ सीडलिंग्स हैं जिन्हें मैंने फ्रेंड्स काफी पहले लगा लिया था और ये भी फ्रेंड थोड़ी सीडलिंग इसकी महंगी पड़ती है मुझे पच्चीस रुपए की एक सीडलिंग आई गेस मिली थी तो फ्रेंड्स इसके भी मैंने काफी सारे प्लांट्स लगाए और मुझे लग रहा है ये लेट फ्लारिंग करेगा क्योंकि अभी आप देख रहे हो इनकी जो स्प्रेडिंग है वो थोड़ी सी कम हुई है जो लीव्स वगैरह हैं वो निकल ही रही है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से लगते क्योंकि इसमें भी बंचेज़ में फ्लारिंग होती है इकट्ठे फ्रेंड्स 80 से 100 बर्ड्स निकल आती हैं तो पूरा और काफ़ी टाइम तक के लिए भी इसके फ्लावर्स लगे रहते हैं तो फ्रेंड्स आप इसके बेबी प्लांट्स भी ला सकते हो आपको एट्टी टू हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएंगे इसके बाद फ्रेंड्स ये हैं जरेरियम फ्रेंड्स ये मेरा फेवरेट प्लांट है लेकिन इधर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही कि इनके जो फ्लावर्स हैं वो खिल ही नहीं पा रहे तो आपको ये बीस से पच्चीस रुपये में मिल जाएंगे लेकिन आप इसे जरूर अभी से लगा लो फ्रेंड्स स्प्रिंग सीजन में ये बहुत अच्छे से फ्लारिंग करेंगे पूरा आपका पॉट भर जाएगा बहुत ज्यादा खूबसूरत से ये लगते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये हैं फ्रेंड्स इंपेशन के इंपेशन के फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके के खिले खिलाए प्लांट्स बाय करना चाहते हो तो आपको ये फोर्टी टू फिफ्टी रुपीज में आराम से लोकल नर्सरी पर मिल जाएगा मैंने तो इन्हें सीडलिंग से लगाया था तो सीडलिंग मैं टेन रुपीज ईच लेके आई थी तो फ्रेंड्स आपको अब इस समय खिले खिलाए मिल जाएंगे तो आपको जैसा भी कलर पसंद हो आपके पास चॉइस होती है तो जैसा भी आपको

काफी ज्यादा खूबसूरत सा लगेगा और फ्रेंड्स ये मैं पॉम्पॉम वैरायटी लाई थी जब मैं लाई थी फ्रेंड्स अराउंड इसमें जब फ्रेंड्स सीडलिंग्स चूंकि मैंने लगाया था इसको तो मुझे टेन रुपीज की सीडलिंग्स पड़ी थी पूरा फ्रेंड्स पॉट भर गया था मैंने आप लोग के साथ वो वीडियो भी शेयर किया हुआ है तो इस प्लांट को आप जरूर लगाइए अगर आपको अभी भी इसके बेबी प्लांट्स मिल जाते हैं मान लीजिए पंद्रह रुपए या दस रुपए में आपको इसके प्लांट्स मिल जा रहे हैं तो फ्रेंड्स आप जरूर से जरूर इसको लगा दीजिए नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है बिगोनिया का फ्रेंड्स बिगोनिया की भी मैं सीडलिंग्स मैंने लगाई थी दो लगाई थी एक तो मेरी गिलहरी ने ही खराब कर दी या बर्ड्स ने खराब कर दी किसी ने तो खराब कर दी थी तो फ्रेंड्स ये बचा इसको मैं बचा ले गई थी तो फ्रेंड्स आप इसे भी जरूर लगाइए ये आपको ऐसे खिले खिलाए 20 से 25 रुपए में आराम से लोकल नर्सरी पे मिल जाएगा इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है पेटूनिया फ्रेंड्स ये मैं हर बार कहती हूँ अगर आपने इसको नहीं लगाया तो आपका विंटर गार्डन अधूरा है तो इस तरीके के अगर आप खेले खिलाए प्लांट्स लाते हो तो फ्रेंड्स वो आपको 20 से 25 रुपए में बहुत ही आसानी से लोकल नर्सरी पे मिल जाएगा कलर्स की मैं बात करूँ तो बहुत सारे कलर्स में ये आपको नर्सरी पर मिलेगा और आप चाहो तो इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो नहीं तो इस तरीके के थाली वाले पॉट्स में लगाइए थोड़े से ब्रॉड पॉट्स को ऑप्ट करिएगा ताकि ये स्प्रेड बहुत अच्छे से कर सके उसके बाद ये फ्लारिंग जब करता है तो इकट्ठे फ्रेंड्स अस्सी से सौ फ्लार्स आपको देगा अगर आप इस तरीके के पॉट्स में लगाते हो जो थोड़े से ब्रॉड होते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन फ्लॉरिंग प्लांट्स में से आपको कौन से प्लांट सबसे ज्यादा पसंद आए और फ्रेंड्स आपने कौन कौन से प्लांट्स को इस साल विंटर गार्डन में इंक्लूड किया वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं वीडियो पसंद आया है तो लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच